हम आए थे ऑटो रेव्स और हमें मिल चुके हैं सिराज भाई यहाँ पे। तो बहुत बड़े फैन हैं इनके, हम बहुत पहले से देखते थे इनको, ये हमको नहीं देख रहे, बहुत दुख लग रहा है मुझे। प्लीज देख लो भाई साहब एक बार, प्लीज भाई साहब प्लीज। ओ भाई, ओ माय गॉड, देख लिया, बेहोश हो रहा हूँ मैं। हेलो मेरे वनस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल मिस ब्लॉग्स एंड दिस इज मोहम्मद मेहता हुसैन। स्वागत करता हूँ आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल पर। तो गाइस, बहुत दिनों से गायब हूँ YouTube में, आप लोगों को पता ही है कि करीब से 10 दिन हो चुका है शायद मैं आजकल YouTube में वीडियोस ज्यादा नहीं डाल रहा हूँ। आज आया था एक्चुअली कुछ काम के लिए यहाँ पे ऑटो रैप्स में आ गया, हमें मिला सिराज भाई, है अंदर। एक्चुअली हमारा एक डॉमी है हम्टी टम्टी भाई, उनका बाइक का काम चल रहा है। तो साथ में हमारे पास यहाँ पे आज आ चुका है एक एरोक्स, यामा के तरफ से जो आता है स्कूटी एरोक्स, और ये भाई साहब काफ़ी लोडेड एरोक्स है, जो मतलब आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा इच नहीं। ये एक ही पीस है, आप बोल सकते हो एक ही पीस है। इस गाड़ी का जो ओनर है, ओनर भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, भाई साहब का नाम था अबुल, अबुल भाई साहब। तो आप एक बार फटाफट बता दीजिए क्या क्या मॉडिफिकेशन किए इस गाड़ी में। फर्स्ट तो मैंने किया ये जो क्रैश गार्ड है, क्रैश गार्ड लगाए ये आप इसको, ये जो क्रैश गार्ड है इसमें, ये आप इसको ऑर्डर करके बनवाए हैं या मिलता है ऐसा? मिलता है, मैं बेंगलोर से मंगवाया हूँ। बेंगलोर से मंगवाया, मतलब यहाँ का नहीं है? यहाँ का नहीं है। ठीक है, ये लगाया, पीछे का वो टॉप रैक भी है, टॉप रैक लगाया है ये लगाया, फिर ये टैंकी लगाया, जेरिकन लगाया, जेरिकन लग गया। और ये ऑक्सलेट एचजीजी का है, एचजीजी का है ये। ऐसे कितना का पड़ता है ये? मैंने लिया 3000 का है। 3000 का दोनों मिला के, दोनों मिला के 3000 का पड़ा। ओके, तो अभी तक आपने सबसे ज्यादा लंबा लॉन्ग राइड इसमें कहाँ तक किया है? मैंने तवांग तक किया है इसमें। तवांग तक एक्सपीरियंस कैसा था बताइए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, टायर्डनेस फील नहीं होता, कंफर्टेबल बहुत है ना। सीट में भी आपने मॉडिफिकेशन मुझे दिख रहा है, सीट में भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है, सीट बनाया नया कुशन डाल के, नया कुशन डाल के बनाया है ना। बीच में थोड़ा मतलब वो तो मतलब स्ट्रेट सीट आता है, आपने उसमें थोड़ा तो कंफर्ट सोफा बना दिया है इसको। तो क्या इसको सोफा बनाया गया है, जैसे कि मैं बताया जाता, तो सोफा बना दिया, मतलब बहुत ही आरामदायक गाड़ी बन चुका है ये, इतना आरामदायक। वैसे तो वैसे ही स्कूटी है, गियर वगैरह का टेंशन है नहीं, बिंदास जाते रहो, साथ में इतना आराम लग जाएगा, कहीं नींद तो नहीं आ जाता आपको चलाते चलाते? नहीं आता ना। तो सीन ऐसा है गाइस कि देखिए, एरोक्स मैंने पहले कभी चलाया नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा लाइफ में कि आज मैं एरोक्स चलाऊंगा। और मेरे दो तीन दोस्त ने परचेस किया था एरोक्स, लेकिन कभी चलाने का मौका नहीं मिला, तो आज हमारे भाई साहब के बदौलत हमें ये एरोक्स मिला है। तो एक बार चला के देखते हैं, आप लोग एक रिव्यू भी दे सकेंगे कि अगर आप लोग परचेस करना चाहें एरोक्स, तो आप लोग परचेस करेंगे या नहीं करेंगे, करना चाहिए नहीं चाहिए, सब कुछ बता पाऊंगा मैं एक बार चलाने के बाद। और एक बात बता दो, स्कूटियों में जैसे कि आप लोगों को पता है सुपर बाइक आता है, सुपर बाइकों का ये जो है ये सुपर स्कूटर सेगमेंट है, ये आ चुका है सुपर स्कूटी सेगमेंट, क्योंकि भाई साहब इसमें कूलेंट डलता है भाई साहब, मतलब आप लोग स्कूटी लेकर 300-400 किलोमीटर जो पहले जो इम्पॉसिबल होता था, आजकल पॉसिबल हो चुका है एरोक्स के वजह से, क्योंकि एरोक्स जो है इसमें कूलेंट डलता है भाई साहब, आराम से जा सकते हैं। लेकिन बस इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम, इसका जो टैंक है ये 5.5 लीटर्स का आता है, मतलब 6 ही पकड़ सकते हो, तो इसलिए भाई साहब ने यहाँ पे जेरिकन्स डाल दिया, जिसके वजह से इनका जो अभी जो है मतलब जो रेंज है इनका और ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि बिंदास बिंदास कहीं भी जा सकते हैं। तो इनसे ये साइड का ये सब शायद 5 लीटर का है, 5-10 लीटर का हो जाएगा इधर, और अंदर पर 15 लीटर का, अच्छा 15 लीटर का जाएगा। हमारा मुफासा में 14 लीटर का टैंक है, 14 लीटर का टैंक में हम लोग 400 से 480 किलोमीटर कर लेते, तो भाई साहब ज़्यादा ही कर लेंगे, हमसे 500 किलोमीटर तो कर लेंगे, माइलेज भी अच्छा ही है इसका। फटाफट पहनते हैं अभी सिराज भाई का सेटअप, हीरो 11, फर्स्ट टाइम हीरो 11 का आपको फोटेज देखने में मिलेगा, वैसे क्योंकि मेरे मोबाइल, क्योंकि मेरा तो GoPro हीरो 9 है, तो आपको देखने में मिलेगा अभी हीरो 11 का फुटेज। बताइएगा हीरो 11 का फुटेज का क्वालिटी कैसा आता है, अगर अच्छा आता तो बताइएगा, हम भी अपग्रेड कर लेंगे। हैं कि भाई साहब क्या अपग्रेड करना है? नहीं, हम बता रहे थे कि अभी हम जो आप फुटेज देखेंगे वो हीरो 11 से आएगा, हम चला रहे 9। अगर आपको 11 का फुटेज अच्छा लगता तो बताइएगा, हम भी अपग्रेड कर लेंगे। हेलमेट में लगा हुआ पहनो, अपग्रेडेशन करो, चलो अपग्रेड करना है तो 11 में गए, 14 प्रो मैक्स ले लो, नहीं तो सितंबर तक वेट करके 15 ले लो, खत्म करो। ये भी सही बात, यही सही बात बोला है, लेकिन पैसा भी थोड़ा चुभता है किडनी में। चलो फटाफट अभी हेलमेट पहनते, आप लोग से मिलते हैं GoPro में गाइस। हाँ दे दो, मुझे मेरा सवारी दे दो, 2 मिनट का सवारी है मेरा भी, ओके। 155 जाना चाहिए, लेकिन कितना जाना चाहिए? 155। हाँ, इसमें इंजन तो यामा का ही है ना, मतलब VVA हिट करता है, तो चलो देखते हैं VVA। लेकिन एक बात मैं भाई बताना चाहता हूँ, देखो गाड़ी ऑफ है, पता नहीं इग्निशन का ये स्विच है कि नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये हम जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसको पकड़ के स्टार्ट करना होता है, इतना स्मूथ स्टार्ट होता है, लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है भाई स्टार्ट हो रहा है ऑफ हो रहा है क्या हो रहा है। तो चलो एक बार इसको थोड़ा पेल के आते तब पता चलेगा। तो हम जाते हैं इस साइड, ओके गाइस,
काफी स्मूथ सिटिंग पोजीशन। तो गाइस मेरे टांगों पे मत जाइएगा क्योंकि मैं आज हाफ पैंट में आया हूँ, मतलब मैं एक्चुअली निकला था, हम लोग का भाई का यहाँ पे वो चल रहा था, मॉडिफिकेशन का काम चल रहा था, ग्राफिक्स का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं आया था। तो यहाँ पे आके ये धासू सामान मिल गया, धासू गाड़ी हमें मिल गया, जिसकी वजह से हमने सोचा कि बना ही डालते हैं व्लॉग, क्योंकि देखो मौका है, दस्तूर है, काहे छोड़े। तो ये रहा एरोक्स आपके सामने यामाहा का, जो रिसेंटली हमारे डिम्पू भाई ने भी परचेज़ किया है। और ये गाड़ी में मतलब लोगों का अट्रैक्शन अभी इस गाड़ी में इसलिए आएगा, एक तो ये जो है जैसे कि मैंने बताया कि सुपर स्कूटी बता सकते हैं आप इसको, जैसे कि सुपर बाइक होता है ये सुपर स्कूटी है। और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस बाइक को ये जो दो जेरिकेन लगे हुए, ये जेरिकेन काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं इस बाइक को, तो काफ़ी सही है। और ब्रेकिंग वेकिंग मुझे मज़ा ही लग रहा है फिलहाल, थोड़ा सा ऑफ रोड करके देखते हैं कैसा लगता है। ओके ओ स्मूथ गाइस, बस आगे का सॉकर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे, पीछे तो काफ़ी स्मूथ खेल रहा है सॉकर जो है, आए हाय आए हाय, बढ़िया मज़ा आ रहा है सॉकर के साथ। ओके तो ट्रैफिक में भी काफ़ी स्मूथ और थ्रॉटल थ्रॉटल रिस्पॉन्स, तो ये जो 150 cc का इंजन डाला हुआ है इसमें, दैट शोस द पावर। काफ़ी जल्दी स्कूटी जो है पिकअप लेता है, ये देख सक रहे हो आप लोग, काफ़ी स्पीड से पिकअप ले रहा है। वो स्कूटी भाई से वैसे ये स्कूटी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा पावर ले रहा है स्कूटी। दैट्स यामाहा गाइस, दैट्स यामाहा, हैट्स ऑफ टू द टीम्स ऑफ यामाहा, मतलब कुडोस टू द टीम, मतलब क्या गाड़ी बनाते हैं ये लोग। जैसे कि आप लोग बताइए V3 पकड़िए, चाहे आप लोग V2 देख लीजिए, V3 देख लीजिए, V4 देख लीजिए, जो भी बनाया है इन लोगों ने, मतलब क्या बनाए हैं गाइस। ओके तो इधर सामने मुझे, मतलब हमारे पास यहाँ पे वो क्या बोलते हैं फ्लाईओवर है हमारा घर के सामने, तो फटाफट जाते हैं फ्लाईओवर में एक स्ट्रेच लेते हैं, तब पता चलेगा कितना जल्दी कितना स्पीड पकड़ता है। वैसे तो बहुत जल्दी पकड़ रहा है स्पीड, अभी हमने रिसेंटली जो पुल किया था इसमें 80 चढ़ गया था, अभी नेक्स्ट स्ट्रेच हम फ्लाईओवर में करते हैं। चलिए गाइस, वेल गाइस ये रहा फ्लाईओवर, तो फ्लाईओवर में भी थोड़ा सा ट्रैफिक है, लेकिन खींच के देखते हैं कितना चढ़ता है। ओके 61 67 73, थोड़ा स्पीड कमाना पड़ेगा, आगे गाड़ी है 75, तो काफ़ी फटाफट पावर लेता है गाड़ी स्कूटी के हिसाब से। ओ भाई उड़ गए, 88 85, काफ़ी स्मूथ, इतना स्मूथली पावर पकड़ रहा है ना गाड़ी, पता ही नहीं चलता। अगर अंदर विंड ब्लास्ट आ रहा है हेलमेट के तो आपको पता चलेगा कितना स्पीड में है, मतलब मैं कितना स्पीड में हूँ। ओए होए होए आए हाय हाय, उड़ गए भाई साहब, उड़ गए। और हम आ चुके हैं, अभी ब्रिज ख़त्म होने वाला है, तो यही से यू टर्न ले लेते हैं फटाक से। पीछे गाड़ी वाड़ी तो नहीं है भाई साहब, नहीं है, चलो इधर यू टर्न ले लेते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, ये हमारा होमली फ्लाईओवर है, क्योंकि यहीं पे मैं रहता हूँ, ऐसे नीचे से लेफ्ट जाने से मेरा घर आता है, तो अपना ही फ्लाईओवर है, टेंशन नहीं है, बिंदास। और यहाँ पे हमारे सेकेंड हैंड बाइक्स का शोरूम भी, अगर आप लोगों का भी वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा। बस मुझे एक चीज़ का प्रॉब्लम लगा इस गाड़ी में, जो ये जो डिस्प्ले है ये थोड़ा मतलब कम ब्राइट है, ज़्यादा ब्राइट नहीं है, मतलब देखने के लिए थोड़ा मेहनत चाहिए गाइस। ओके मतलब थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट होता, अभी रात को पता नहीं, रात को शायद ज़्यादा सुंदर दिखेगा डिस्प्ले, वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए जो मुझे देखने को मिल रहा है, तो डिस्प्ले जो है थोड़ा सा मतलब अभी धूप के टाइम में डिस्प्ले में थोड़ा मतलब मेहनत लग रहा है देखने के लिए। भाई साहब टंकी फुल है भाई साहब इनका, लेके शिलोंग चले जाए क्या गाइस। मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस, ये वैसे गाड़ी में इस मतलब स्कूटी में, सुपर स्कूटी जो है ये, इसमें 150 cc का इंजन डला हुआ है। ओके मतलब आपका यामाहा का R15 का इंजन डला हुआ है। ओके थोड़ा सा गाड़ी में ज़्यादा सामान लगा हुआ है, इसके लिए हैंडल बबलिंग किया है, कोई बात नहीं, ये होता है, जब ऐसे तो आपको पकड़ के चलाना है, लेकिन काफ़ी कंफर्ट है गाड़ी में भाई साहब, कितना कंफर्ट, मतलब क्या बताऊँ, ऐसा कंफर्ट मुझे किसी स्कूटी में नहीं मिला अभी तक, कि मतलब वैसे इन्होंने सीट का मॉडिफिकेशन किया इसलिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है। और सस्पेंशन जो है काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन काम कर रहा है। अब पुल तो आप लोग देख पा ही रहे होंगे कितना स्मूथ पुल है बाइक का, सॉरी कितना स्मूथ पुल है स्कूटी का, एक ही पुल में 0 से ले लेता है फटाफट 40 50। तो अभी हम ओनर से जाके पूछ के बता देंगे कि टॉप स्पीड उन्होंने अभी तक कितना क्लेम किया है इस पे, क्योंकि हमारे पास तो अभी इतना यहाँ पे स्पेस है नहीं कि हम टॉप स्पीड क्लेम कर सके, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो मतलब फटाफट पिकअप ले लेता है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ मतलब गियर का मिस होना मुझे नहीं लग रहा है 150 cc में, क्योंकि भाई गियर होता तो अच्छा होता, वो नहीं लग रहा है, काफ़ी स्मूथली पावर ले रहा है गाड़ी। तो चला के आ चुके हम लोग फिर से ऑटो रस पे आ चुके हैं, तो आप लोगों ने देखा इस गाड़ी का मैंने जितना हो सके रिव्यू दिया। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस गाड़ी का जो टैंक है वो यहीं पे है, मतलब ये इसका टैंक है, ये फ्यूल का स्विच है, इसको दबाते ही टैंक खुल जाता है ऐसे, ये रहा अंदर में टैंक, मतलब इधर में आपको तेल घुसाना पड़ेगा, तो ये चीज़
थोड़ा यूनिक लगा मुझे। 5.5 लीटर का टैंक है ये, पूरा अंदर में टैंक है ठीक है, और इधर आपका डिग्गी मिलेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे इसमें स्पेस कम होगा, लेकिन इसमें भाई साहब डिग्गी है, ऐसा नहीं कि डिग्गी नहीं है, डिग्गी है इसमें गाइस। तो यही है, और हम बताने पूछने वाले थे जो ओनर है, इनसे हम पूछने वाले थे। ओनर जी आगे, ओनर जी को एक ही चीज़ पूछना है कि अभी तक आपने एरोक्स में कितना टॉप स्पीड क्लेम किया? मैंने एरोक्स पे किया था 127, मतलब इससे ऊपर भी जाता है? नहीं नहीं, उससे ऊपर नहीं जाता, 127 मतलब वो रास्ता थोड़ा डाउन था। अच्छा अच्छा, ये तो नहीं जाता। अच्छा अच्छा, तो पीछे से मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार। ये लोग मैं इधर रिकॉर्ड कर, लोग मार रहे हैं मुझे, ये लोग एक्सपोज कीजिए इन लोगों को जल्दी जल्दी। तो ये थे ओनर एरोक्स के, तो इन्होंने बताया कि ये जो अभी तक इन्होंने टॉप स्पीड क्लेम किया है 127, तो मतलब अगर हम लोग ज़्यादा, और आपको लगेज के साथ में 127 था ना? नहीं नहीं, मतलब आप सिंगल था, तो अगर हम लोग जैसे राइडर और थोड़ा खींचे तो 130 तक जा सकता है, शायद जा सकता है, मतलब एकदम इसमें रुला देगा अगर गाड़ी को, तब 130 जा सकता है शायद। तो यही बात है, तो जितना था एरोस का मैंने बताया, और मेरे साइड से अगर रिव्यू, अगर आप लोग एरोस लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई, काफ़ी स्मूथ गाड़ी, मुझे काफ़ी पसंद है चलाकर। बस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब कुछ कर देगा, तब तक के लिए 2 1 2 1 2 जैसे तो मैं बाय बाय, तब तक देखते रहें, थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे गाइस, बाय बाय।